Welcome to my Indri Pickle Lab. I am showing you how to make mango pickle in scientific way. I make every year this traditional pickle. I am showing you how to make this step by step. You will need mango, boti or meat knife, glass jar, tray, strainer, wooden spoons, 2 tablespoon, teaspoon, and measuring cup and lot of sunlight. Step one ये है कि तुसी mangoes लो, quality अच्छी होए, भारी हो, medium size होए, कोई उसने दाग ना होए, पीला पन ना होए, एक खास ख्याल रखना है। और अगर तुम्हारे को अपना ही आम द पेड़ है तो उस तो अच्छी गल कोई नहीं है। Step two दे बारे ये है कि mango ले के पहले साबुत नहीं धो देना चाहिए, बिल्कुल गलती नहीं करनी कि इसमें कट के दो वो खराब कर देगा चार। असी जग्गू मार्केट कलकत्ता तो खरीदे हैं, असी कलकत्ता से मैं रहनी हूँ, मेरा लैब कलकत्ता पे है। स्टेप थ्री है कि मैंगोज नू एक एक इंच कटो। और तुसी इंडिया च रहिंदे हो तो आम मार्केट विच बूटी नाल कट दिते जाने, अगर ते बाहरले मुल्क च हो तो मीट दी छुरी नाल तुसी कट सकदे हो। आम का बीजा जिहड़ा कड़वा होंदा उसनू यूज़ नहीं करना, उसनू अचार दे विच यूज़ नहीं करना। स्टेप फोर ये है कि जो पीसिस असी एक इंची वाले कट्टे हैं वो जार दे विच पाओ। एक किलो वाला जार होए, एक किलो आम उसे चले जाएंगे, तो 3 टेबल स्पून सॉल्ट पाओ, 2 टेबल स्पून हल्दी पाओ, अच्छी तरह हिलाओ। स्टेप फाइव ये है कि जो पीसेस कट्टे हैं ना सी बॉटल में पाए हैं उसमें हल्दी नमक जो पाया है उसमें अच्छी तरह हिलाना है, शेक करना है, अच्छी तरह शेक करना है ताकि उसका पानी निकल आए, एकदम मतलब घुल मिल जाए। स्टेप सिक्स ये है कि जो पीसेस में हल्दी और नमक पाया है उन्हें उस जार में अच्छी तरह हिला के सनलाइट पे रखना है और ओवरनाइट रखना है। इसमें इसका टाइम चाहिए 12 से 14 घंटे, हर 4 घंटे बाद। स्टेप सेवन है कि असी जो रात में अमन जार विच रखे है उसका पानी निकल के आ गया, सवेरे मॉर्निंग उसमें पूरा छान देना है, किसी जाली विच छान के देखना है उसका किस तरह पीला पीला रंग पकड़ गया और थोड़ा जहा चेंज हो गया, अच्छा लगेगा देखने में। स्टेप एट स्टेन द ब्राइन वी स्प्रेड ऑन ट्रे एंड पुट ऑन डायरेक्ट सनलाइट फॉर 3 आवर्स। आफ्टर that mangoes become shrink and green become dull green. This is the right way to make pickle. Step 9 ते ये है कि जो मसाले और जो आम सूखे हैं उन्होंने मसाले मिक्स कर दें। मसाले की हैं राई 2 टेबल स्पून, सौंफ 1 कप, मेथरे 1/3 कप। इन्होंने ग्राइंड कर लेना है नॉट फाइन। कलंजी 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, टर्मरिक 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 2 टेबल स्पून, और 2 कप मस्टर्ड ऑयल, हिंग 1/2 टीस्पून। स्टेप 9 का जिस वक्त असी
ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈੱਡ ਯੈਲੋ ਤੇਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਡਿਸ਼ ਟਾਈਪ ਸੌਂਫ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਰਾਏ ਦੀ, ਕਲੰਜੀ ਦੀ, ਹਿੰਗ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਸਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਚਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੁਡਨ ਸਪੂਨ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਰ 'ਚ ਪਾ। ਸਟੈਪ 10 ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਡਰਾਈ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਹਨ ਪੀਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਨਲਾਈਟ 'ਤੇ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਾਲੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸਨ, ਰੰਗ ਆ ਸੀ, ਸੁੱਕੇ ਅੰਬ ਵਾਪਸ ਖਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ ਸਨ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਚਾਰ ਤਿਆਰ। ਸਟੈਪ 11 'ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਰ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਮ ਰਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ, ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲਣਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਚਾਰ ਇੱਕਦਮ ਸਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੇਲ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਤੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮਕ ਔਰ ਤੇਲ ਕਦੇ ਕਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਸਟੈਪ 12 ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਬਸ ਅਚਾਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਕਚਰ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾ।